वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लास्ट सेशन, यानी कि जैसे मान लीजिए लास्ट सेशन आपके दिसंबर 2017 के एग्जाम से, यानी कि उनके क्वेश्चन पेपर से कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके नेक्स्ट सेशन यानी कि जून में रिपीट होंगे और कितने क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। सो जो सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उन्हें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने चाहिए या नहीं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो उनको बताना चाहूँगा कि आप अपने लास्ट सेशन यानी कि जो आपका रिसेंट सेशन है दिसंबर 2017, उसके सभी क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करें। बिकॉज हमने दिसंबर 2017 एग्ज़ाम में देखा था कि जून 2017 के एग्ज़ाम के काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें से 50-60% क्वेश्चन एक्यूरेटली रिपीट किए गए थे, यानी कि सेम अगर आप उस पेपर को प्रिपेयर करते लास्ट सेशन के, तो डेफिनेटली आप 50-60% उसमें स्कोर इजीली कर सकते थे। मोस्टली रिपीट क्वेश्चन उन्हीं सब्जेक्ट में होते हैं जैसे जो कि फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज जैसे आपके FST 01, BSHF 101, ये सभी ऐसे कोर्सेज हैं जिनके क्वेश्चन मोस्टली रिपीट किए जाते हैं। बट कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें काफ़ी कम क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, यानी कि 10-20% पेपर के क्वेश्चन आपको आपके करंट सेशन में मिलते हैं। बट आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करें जो अभी आपके लास्ट सेशन के थे, सो आपको वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में। बिकॉज इग्नू के सिस्टम में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करता है, बिकॉज साल में दो बार एग्ज़ाम होने की वजह से टाइम का शेड्यूल सही नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम यानी क्वेश्चन पेपर अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उन्हें लास्ट सेशन के अपने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को रिपीट करना पड़ता है। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप लास्ट सेशन के क्वेश्चन पेपर से मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, सो ये पक्का नहीं है कि उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कम रिपीट होते हैं। बट लास्ट सेशन में एक या दो पेपर ऐसे थे जिनके मोस्टली क्वेश्चन रिपीट किए गए थे। सो अगर आपके एग्ज़ाम, अगर आप जून में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आपने अपने प्रीवियस ईयर यानी कि लास्ट सेशन के क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको ईजीली अटैम्प्ट कर पाएँ। साथ ही लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको एग्ज़ाम का आइडिया हो जाएगा कि किस पैटर्न पर एग्ज़ाम आने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सो उसके बेसिस पर भी आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं और उनमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बट फिर भी पूरी तरह से आपको डिपेंड नहीं होना है अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, आपको अलग से भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी, यानी कि जो आपका स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें और उसमें जो भी क्वेश्चंस टर्म एंड एग्ज़ाम में दिए हुए हैं, यानी कि जो हर चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं और जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन हैं, उनको भी साथ साथ प्रिपेयर कर लें, बिकॉज असाइनमेंट्स भी आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं आपके एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में, और असाइनमेंट्स क्वेश्चन से भी आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डेट्स वाई आपको असाइनमेंट्स इग्नू प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाती है। इसलिए आप अपने असाइनमेंट जब भी बनाते हैं तो उनको अपने हाथों से बनाएं, यानी कि हैंड रिटन असाइनमेंट बनाएं, ऐसा ना करें कि उसको कॉपी करें, बल्कि अपने स्टडी मटेरियल से खुद फाइंड आउट करें, जिसकी वजह से आपको साथ साथ वो चीज़ें याद हो जाएंगी और वो सभी क्वेश्चन और आंसर आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रिपेयर करने चाहिए और साथ ही साथ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए, और किसी भी चीज़ पर डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ना हो, हर चीज़ को पढ़ें, कुछ भी चीज़ मिस ना करें अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।